स्वागत है आपका जनता की राय में और आप देख रहे हैं न्यूज टीवी। नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ मेघा। तो आपको जैसे अब दोबारा स्कूल रीओपन हुए तो आपको कैसे लग रहा है स्कूल आके? स्कूल अच्छा है, पहले से ही अच्छा था। ऑनलाइन क्लास में भी काफी मजा आते थे और वैसे पढ़ाई भी अच्छी होती है। क्लास हमारी क्लास के टीचर सब प्रिकॉशन दिए जाते हैं आपको? हाँ, स्कूल के क्वेश्चन होते हैं। रूम में 70 बच्चे, एक रूम में जब 70 बच्चे बैठाए जाएंगे ना, तो यहाँ पे कोई प्रिकॉशन नहीं हो। बात रही टीचर की, परेशान रहा। यहाँ पे जब बात रही ना टीचर की, टीचर कहे कि आता है थोड़ी बच्चों को मारता है, थोड़ा लेक्चर देता चला जाता है। इंग्लिश वाले सर है ग्रामर, तो ग्रामर के लिए बोलते हैं तो कहते हैं कि 6th में करवाया था, यहाँ पे क्यों होगा बताओ जी जरा। और बात रही नीट की, नीट में जब मैम जब नीट में जाएगी कट ऑफ 720 में 720, तो हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कहाँ जाएंगे जरा बताओगे मेरे को? DPS की, DPS स्कूल की जो तैयारी होती है अलग लेवल की होती है। यहाँ पे तो ढंग से NCERT भी ना करवाते, उसके बाद भी बोल देते भाई हमने पढ़ा दी, हो गया तुम्हारा। SST वाले हैं, ऑनलाइन में पढ़ा दी फालतू, उसके बाद अब आगे मोबाइल से देख के लिखवा रहे हैं भाई आंसर, हो गया बच्चों का भाई खत्म, यही होता है। आपने पेरेंट्स को कंप्लेन करी है? तो मैम इस फर्स्ट हमने ना करवाया नहीं था, SST वाले सर ने, मेरे पापा ने करवाई थी कंप्लेंट। तो ये ना भड़े वैसे बच्चे कुछ हैं, ये लोग कहते हैं कि ग्रुप में मजे ले रहे, अब इनकी इनकी पिल रही है। पढ़ाई होती है? अरे बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती, कुछ कराते ही नहीं है स्कूल वाले, क्या करें हम। आज तो मैडम जी जेब में रहते हैं, ये तो लगाने के लिए दिया मैंने, कोरोना भी गया नहीं। सब पढ़ाते मैम, कुछ नहीं पढ़ाते, मैम को बोलो जब कुछ बोलो तो तब कहते हैं कि मारते हैं हमें, हमें ही मारते हैं, हमें ही मारते रहते हैं बिन मतलब के। काम करो तो तब दिक्कत ना कर कर है, पढ़ाई नहीं होती, नहीं होती, कुछ नहीं होता इस स्कूल में। प्रिंसिपल मैम को बोलने जाओ तो मैम कहती है अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, बस खत्म। बहुत देर से आते क्लास में, बहुत देर से आते स्कूल में, लेट बच्चे आते हैं। जब पीरियड में जब टाइम होता है कितने बजे आते हैं बच्चे? 8 बजे का स्कूल, 8 बजे का टाइम होता है, 9 बजे प्रिंसिपल 9 बजे तक आते हैं, जाके टीचर कुछ नहीं कहते स्कूल में। बहुत आपको क्या लगता है कि पढ़ाई होती है स्कूल में? हाँ, स्कूल में तो पढ़ाई होती है, अच्छे से होती है, पढ़ाई तो बहुत अच्छे से होती है। आपको प्रिकॉशन दिए जा रहे हैं, जैसे कोरोना का टाइम अभी भी चल रहा है, आपको प्रिकॉशन दिए जा रहे हैं, मास्क सैनिटाइजर वगैरह का ध्यान रखा जाता है, सोशल डिस्टेंस बहुत ज्यादा दिया जाता है। तो ये तो बच्चे कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं होती है, सारे टीचर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, नहीं आता तो ऐसे बोलते हैं। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छे, हर टीचर हर बच्चों पर ध्यान देती है। कौन सी क्लास में है बच्चे? सेकंड में। अब क्या पढ़ाई होती है स्कूल में? अभी मेरा स्कूल ही नहीं है, अभी स्कूल ही नहीं है। आपको पढ़ाई करने जाना है? अभी नहीं, एडमिशन नहीं आना, एडमिशन आएगा मेरा। स्कूल में तो जाते होंगे? मैम जैसे कि कोरोना का टाइम चल रहा था, उसके बाद अब जाके स्कूल खुले हैं, तो आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो आप अच्छा फील महसूस करते हैं, सेफ फील महसूस करते हैं भेजना? हाँ, अच्छा महसूस करते हैं, इतना दिन पे खुला है। ओके मैम, तो जैसे कोरोना के टाइम्स के प्रिकॉशंस, तो अभी भी कोरोना है ही, अभी गया नहीं है, तो प्रिकॉशंस के हिसाब से क्या लग रहा है आपको? स्कूल पूरा प्रिकॉशन दे रहे हैं या क्या? मास्क वगैरह कवर करवाना, सैनिटाइज करवा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। यूनिफॉर्म वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाती? नहीं, यूनिफॉर्म का तो पैसा मिलता है, यूनिफॉर्म का पैसा मिलता है। और जो गवर्नमेंट के नीति के अकॉर्डिंग ये कहा गया है, पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, कि हर महीने पैसा आएगा, कहाँ पैसे आ रहे हैं बच्चों की स्कूल की? नहीं ना यूनिफॉर्म के पैसे आ रहे हैं, ना ही तो वही राशन ही बटा था अभी बीच में जो बच्चों को लेके गए, यूनिफॉर्म के तो पैसे कोई नहीं दिए। साल भर 2 साल में पहले तो राशन मिला है, पहले तो यूनिफॉर्म 3 बार राशन मिला है, यूनिफॉर्म के पैसे दिए जाते थे साल में एक बार ही दिए जाते थे, वो कहाँ आ रहे हैं जब से कोरोना हुआ होगा? राशन जरूर दिया है लेकिन यूनिफॉर्म के पैसे तो नहीं दिए। राशन कब से लेके कब तक मिले आपको? कोरोना के टाइम पे तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो उस हिसाब से राशन कब मिले? बीच में मिला था। बीच में कितने टाइम तक मिला मैम? 3 बार मिला है। 3 बार, और आपके हिसाब से? 3 बार ही, 3 बार हमारे भी। और वैसे कितने टाइम तक मिलना चाहिए था बीच में? अब तो उन्हीं को पता होगा, उन्हीं को पता होगा, मैं स्कूल वाले ही जान सकते, जब बांटते हैं जब ही पेरेंट्स को बताते हैं तभी आते हैं लेने के लिए, स्कूल वाले बताएंगे नहीं तो पेरेंट्स ऐसे थोड़ी आके बैठ जाएंगे। जैसे कहा जाता है कि हर महीने स्कूल की तरफ से कुछ ना कुछ अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा पैसा, वो आप लोगों को मिलता है? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। टीचरें
कोशिश करती है ना फोन पर ही कि आपको आना है राशन लेने के, तभी पेरेंट्स आते हैं राशन लेने के लिए, वो इनको ही पता है, हमको नहीं है पता। प्राइवेट में पढ़ते थे पहले, प्राइवेट में पढ़ते थे, अभी वालू अभी इतना पता नहीं है मेरे को क्या है क्या नहीं है, अभी मेरा एडमिशन हो रखा बच्चों का। ऑनलाइन पढ़ाई समय समय पे होती थी, टीचर्स अवेलेबल होते थे? होती थी। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी कोरोना के टाइम के बाद अभी अभी स्कूल रीओपन हुए हैं दोबारा से, तो पढ़ाई वगैरह में कोई दिक्कत आ रही है बच्चों को? दिक्कत क्या, ऑनलाइन पढ़ाई होती है, दिक्कत ही है, दिक्कत ही, मोबाइल किसी घर में एक ही है, किसी घर में दो हो, किसी घर में रिचार्ज नहीं है, किसी घर में नेट नहीं चलता, ऐसे दिक्कत हो रही है। यही प्रॉब्लम है। आप लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल या लैपटॉप होते थे बच्चों को स्टडी कराने के लिए? नहीं नहीं, हमारे पास नहीं है। नहीं है तो स्कूल की तरफ से क्या प्रोवाइड किया जाता था स्टडी मटेरियल में, क्या ऑनलाइन कैसे होती थी फिर क्लासेस? जो घर पे जिससे बात होती थी उसी से, एक मोबाइल उसी से, बड़ा फोन से हो जाती थी, टच वाले फोन है ना उसी से हो जाते, किसी को होता है किसी का नहीं होता है, तो बच्चे तो ऑनलाइन के लिए बैठे रहते हैं ना। सरकार की तरफ से कुछ मिल ही नहीं रहा है ना मोबाइल, तो क्या करें? 15-20 हज़ार के फोन आते हैं, कोई पेरेंट्स नहीं दिला पा रहा, नहीं है इतनी मतलब कमाई पेरेंट्स की, तो बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे। अच्छा तो मैम फिर ऑनलाइन जब क्लासेस होती थी तो एग्जाम भी होते होंगे, तो एग्जाम कैसे दिए जाते थे फिर? उसी में देते थे, किसी ने दिया बच्चों ने नहीं दिया, तो इन्होंने फिर रिजल्ट कैसे निकाला उन बच्चों का? अब वो पता नहीं कैसे निकाला, पर नहीं जान सकते। तो जैसे आपके लोगों आपके बच्चों ने पूरे एग्जाम दिए कंप्लीट दिए हैं? अभी तो दिए हैं, अभी तो दिए भी हुए भी नहीं है अभी एग्जाम। नहीं कोरोना के टाइम पे जो आपने कहा कि जैसे मोबाइल्स वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाते थे, तो उस टाइम पे एग्जाम्स वगैरह आप प्रॉपर दिए? हाँ दिए, अभी फ़ोन ही से करके दिए, फ़ोन से करके दिए। अभी स्कूल्स बच्चों के रीओपन हुए कोरोना के बाद से, आपको क्या लगता है कि प्रिकॉशंस वगैरह दिए जा रहे हैं स्कूल में? मास्क, सैनिटाइज, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जा रहा है? मैम अब रखा ही जा रहा है, ऐसा तो नहीं है, एक दिन हफ्ते में वीकली एक दिन बुला रहे हैं, तो रखा ही जा रहा है, बाकी बच्चों का तो नुकसान है ही है, पढ़ाई का नुकसान हुआ है। अब कोरोना के टाइम पर ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो ऑनलाइन क्लासेस में लिए टीचर्स अवेलेबल होती थी प्रॉपर? हाँ जी मैम, हमारे आपको तो कभी कोई ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कत आई हो मोबाइल को लेके या लैपटॉप नहीं है उसको लेके? नो मैम, अब हम तो नहीं था दिक्कत वैसा तो हमें। अंकल जी आपका बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है? जैसे कि अभी दोबारा से कोरोना के टाइम के बाद रीओपन हुए स्कूल, तो क्या प्रिकॉशंस वगैरह का ध्यान रखा जा रहा है? हाँ यहाँ पे सब कुछ ध्यान दिया जा रहा है उसे तो। जैसे कि कहा जाता है कि अब हर महीने कुछ ना कुछ अकाउंट में पैसे दिए जाएंगे बच्चों को, नहीं मिला। वो अभी आपको मिला नहीं है ये यूनिफॉर्म्स बुक्स वगैरह? कुछ नहीं मिला अभी, बुक्स यूनिफॉर्म होंगी तो पता नहीं, क्योंकि अभी न्यू एडमिशन करवाया, 10th में कराया 1 साल के लिए। कितने साल हो गए हैं? अभी 1 साल ही हुआ है स्कूल। तो 1 साल में क्या क्या आपको मिला है? अभी कुछ नहीं मिला, खाली अभी स्कूल से अभी खुले हैं जस्ट एट प्रेजेंट। अंकल जी जैसे कि स्कूल अभी दोबारा कोरोना के वजह से रीओपन हुए हैं, तो आप अपने बच्चों को भेजना सेफ फील करते हैं? सेफ फील कर रहे हैं मैम, यहाँ पे सैनिटाइज वगैरह किया जा रहा है पूरा, बच्चों को हम खुद घर से देते हैं, खुद से देते हैं। हाँ। तो मास्क वगैरह सोशल डिस्टेंस वगैरह रखा जाता है? हाँ अभी स्कूल में तो रखा जा रहा है। मैं भेजते हैं, बड़ा बच्चा भी भेजते हैं, छोटा भी भेजते हैं, अकेले डर तो लगता ही है, अकेले भेजते हैं, पेपर चल रहे बड़े के तो भेजने पड़ता है। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जाता है? हाँ रखा जा रहा है। जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो आपको कोई दिक्कत आई हो क्लास लेने के टाइम पे, बच्चों को कोई दिक्कत आई हो? दिक्कत का मोबाइल कभी ख़राब हो गया तो नहीं हो पाता है ऑनलाइन पढ़ाई, जैसे मोबाइल ख़राब हो गया तो बच्चे की नई क्लास हो पाती है, इतना काम धंधा चल नहीं रहा है, इनका भी बंद है काम, मेरा भी बंद हो गया था, फिर अब शुरू भाव है तो ऐसे ही बस है। स्कूल की तरफ से कहा जाता है सरकारी स्कूल की तरफ से कि अब तो कानून जो बना है उस हिसाब से रूल्स जो बने हैं कि आपको हर महीने कुछ ना कुछ अकाउंट में दिया जाएगा, बच्चों को यूनिफॉर्म फ्री वगैरह दी जाएगी, बुक्स वगैरह दी जाएगी, तो ये सब आपको मिला है अभी तक? हाँ इससे मिला है, बुक भी मिली है, पढ़ाई की कॉपियाँ भी सब मिली हैं। और अकाउंट में जो हर महीने पैसा आता है? अब इसका अकाउंट नहीं खुला है छोटे का, बड़े के में अभी आया नहीं अकाउंट पैसा बता रहे। तो आपने उसके लिए बड़े के लिए रजिस्टर किया था, बोला था स्कूल में जाके? कहीं बोला है, कहीं कहाँ खाता खुला है तो कहीं दूसरे बैंक में खाता चला गया, तो कोई फार्म देना पड़ेगा तब चालू होगा खाता उसका, तब पैसा जाएगा।
तो आपने वो दे दिया है, खाता जमा करा दिया है, जो भी रजिस्ट्रेशन थी? अभी नहीं, अभी हम जाएंगे, अभी गांव गए थे तो अब मैं नहीं जा पाया, अब जाना जाएंगे, कल जाएंगे बैंक है, आज जाएंगे बैंक। जैसे कि स्कूल दोबारा रीओपन हो गया है तो आप अपने बच्चे को भेजना सेफ फील करते हैं? अभी तो ठीक है मौसम, क्योंकि बच्चों को अलग अलग सीटें दी गई है ना। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा है, बहुत अच्छा है स्कूल का, बहुत अच्छा है। भैया आप ये रोज लगाते होंगे स्कूल के बाद? नहीं आज ही आए हैं, पहले आज ही आए हैं। हाँ, तो कोरोना के टाइम पे, कोरोना से पहले लगाते थे जब स्कूल पहले ओपन थे? नहीं नहीं। तो आपको क्या बिजनेस में बड़ी दिक्कत आई होगी, काम करते हुए बहुत दिक्कत आई होगी कोरोना के टाइम पे? हम तो अब आकर कल लकड़े से, हमारा तो सिलाई करते हैं हम गांधीनगर एरिया में, अब होली तक करेंगे, उसके बाद में फिर गांधीनगर ही पहुँच जाएंगे अपनी सिलाई पे ही। जनता की राय में फिलहाल इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ जनता की राय में। नमस्कार।